शहर में मंदिर बनने का काम जोर शोर से चल रहा था। लाखों की तादाद में लोग मंदिर समिति को दान दे रहे थे, जिससे मंदिर निर्माण में कोई रुकावट ना आ सके और मंदिर अच्छे से तैयार हो जाए। एक रिक्शा चलाने वाला राम सेवक 3 दिन से रोज दान देने की इच्छा से मंदिर जाता था और सोचता था कि मैं भी कुछ दान करूं और ईश्वर मेरी सेवा स्वीकार करे। पर वहां लोगों को हजारों और लाखों के दान पर्ची कटवाते देखकर उसे हिचक होती और वो लौट जाता। ऐसा वो हर रोज करता। आज मंदिर के लिए दान देने का आखिरी दिन था, क्योंकि मंदिर तैयार हो चुका था और कल मूर्तियों की स्थापना होनी थी। राम सेवक से रहा नहीं गया, इसलिए वो आज फिर से मंदिर आया। उसने अपनी जेब से 50 रुपए निकाले और बोला, भैया ये पैसे ईश्वर की सेवा में लग जाते तो मुझे भी इस मंदिर के निर्माण में दान करना है। मंदिर समिति के कर्मचारी ने 50 रुपए देखकर मुंह बिचकाते हुए कहा कि 50 रुपए में क्या होगा, आजकल 50 रुपए में क्या आता है, कुछ भी लेकर दान देने आ जाते हो। फिर भी राम सेवक के बार बार कहने पर उसने वो 50 रुपए अपने कुर्ते के जेब में डाल लिए और इतने छोटे से दान के लिए पर्ची काटने से मना कर दिया। राम सेवक संतोष के सांस लेता हुआ घर चला गया। दूसरे दिन मंदिर में काफी भीड़ थी। ज्यादा धन दान करने वालों के नाम अलग से लिखे हुए थे, जिन्हें मूर्ति स्थापना के बाद सम्मानित किया जाना था। मंत्रोच्चारण के साथ मूर्तियां लाल वस्त्रों से ढकी हुई परिसर में लाई गई। पर ये क्या, भगवान की मूर्ति का मुकुट इतना ढीला था कि मूर्ति का चेहरा पूरा मुकुट से ढका हुआ था। लोग परेशान थे कि नया मुकुट बनने में तो बहुत समय लगेगा और बिना मुकुट मूर्ति की स्थापना नहीं हो सकती। तभी कारीगर को सलाह लेने के लिए बुलाया गया। कारीगर बोला कि मुकुट में एक छोटी सी टेक लगाना पड़ेगा। टेक लगाने से मुकुट अपनी जगह स्थिर हो जाएगा और मूर्ति का चेहरा सही से दिखने लगेगा। और उसने टेक की कीमत 50 रुपए बताई। मंदिर समिति के कर्मचारी ने अपने कुर्ते की जेब से राम सेवक द्वारा दान किए गए 50 रुपए निकाल कर कारीगर को दिए और कुछ देर में ही टेग लगते ही मुकुट स्थिर हो गया और मूर्ति की स्थापना करके सभी ने ईश्वर के दर्शन किए। ऐसा लग रहा था मानो ईश्वर ने राम सेवक का दान स्वीकार करने के बाद ही सभी भक्तजनों को अपने मुखमंडल के दर्शन कराए। दोस्तों, कोई भी दान पूरी निष्ठा और श्रद्धा से करना चाहिए। ये समर्पण के भाव से किया गया छोटा सा दान दिखावटी करोड़ों के दान से कई श्रेष्ठ है। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक और ऐसे और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।